बिना तंदूर या अवन के हम बना सकते हैं बेहद लजीज तंदूरी चिकन टिक्का घर में बहुत ही आसानी से। तो ये तंदूरी चिकन टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली हूँ आधा किलो बोनलेस चिकन। इसे इस तरह से पतले और बड़े पीसेस में हम काट लेंगे। इसका पहला मैरिनेशन करने के लिए इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, आधे नींबू का रस इसमें निचोड़ कर डाल लेंगे, नमक चिकन के हिसाब का डाल लेते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस मैरिनेशन के साथ चिकन को छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज में। तंदूरी चिकन टिक्का के दूसरे मैरिनेशन के लिए हम लेंगे 3 बड़े चम्मच भरकर तेल, 1/4 कप पानी निकाला हुआ दही है, पाउडर मसाले में डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच भरकर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर और 1 चम्मच भरकर डालते हैं तीखी वाली लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच जीरे का पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे गरम मसाले का पाउडर, 1/2 चम्मच डालते हैं जायफल और जावित्री का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भरकर डालेंगे क्रश की हुई कसूरी मेथी, नमक बहुत थोड़ा सा, बस ये मसालों के हिसाब का इसमें ऐड कर लेंगे। मिक्स करेंगे इसे और दही के सारे लम्स हम निकाल लेंगे। इसमें रेस्टोरेंट जैसा लुक आ जाए इसके लिए मैं इसमें 1/4 चम्मच रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये दूसरा मैरिनेशन हमारा बनकर रेडी हो गया है। चिकन जिसे हमने मैरिनेट किया है अब इसे इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरह से ये मसाले को लगा लेते हैं चिकन पर और चिकन को अब हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में। चिकन मैरिनेट हो जाए इसके बाद हम पैन को रख लेंगे मीडियम फ्लेम पर और इस पे सारे चिकन के पीसेस डाल देते हैं। पहले हमें पैन पर तेल डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि चिकन में हमने काफी तेल ऐड किया हुआ है। सारे चिकन के पीसेस यहाँ पर डालने के बाद फ्लेम को हम मीडियम टू हाई कर लेंगे। इस तरह हाई फ्लेम पर पकाने से चिकन में जो मॉइस्चर है ये सारा उड़ जाएगा। 4 से 5 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाने के बाद हम ये चिकन के पीसेस को पलट लेंगे। दूसरी तरफ अब मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकाएंगे बस 2 मिनट के लिए और फिर फ्लेम को हम एकदम लो कर लेंगे। लो करने के बाद इसे ढक देते हैं और ढक कर इसे पकाएंगे करीब 10 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर पकाने से चिकन अंदर तक एकदम सॉफ्ट और जूसी बन जाएगा। ढक्कन हटा लेंगे, इसमें कोयले का धुआं दे देंगे। कोयले का इसमें धुआं देने के लिए थोड़ा सा तेल डाल लेंगे जलते हुए कोयले पर। ढककर इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। इस तरह से इसमें बहुत ही बढ़िया सा तंदूरी फ्लेवर भी आ जाएगा। ढक्कन हटा लेते हैं। घर पर आसानी से बन जाने वाली बहुत ही बेहतरीन लजीज तंदूरी चिकन टिक्का की रेसिपी बनकर रेडी है। इसे मन चाहे चटनी, सैलेड और नींबू के साथ सर्व कर लीजिए।